तथा उनका निर्देशन करना न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है कि जो भी हाईकोर्ट होते हैं तो हाईकोर्ट के अंतर्गत जितने भी न्यायालय होते हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करना और उन्हें निर्देशन करना। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय से हमारा क्या तात्पर्य है? तो अधीनस्थ न्यायालय जो भी होते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय निम्न तथा जिला स्तर पर पूरे देश में एक समान तंत्र रखता है। अधीनस्थ न्यायालय का हमारा क्या तात्पर्य है, जिसमें आपको बताया कि उच्च न्यायालय, बड़े उच्च न्यायालय के अधीन जो हमारे न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ओके, जिला स्तर के जो भी न्यायालय होते हैं वो किसके अधीनस्थ होते हैं? उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय है, निम्न तथा जिला स्तर के न्यायालय है, यानी पूरे देश में एक समान तंत्र को रखता है कौन? उच्च न्यायालय। ओके, वे सिविल तथा आपराधिक मामलों के अनुसार होते हैं। ये कैसे? जो भी निर्णय को देता है वो कैसा होता है? मामले जो भी होते हैं वो आपराधिक मामले के अनुसार होते हैं। उनके जैसे न्याय क्षेत्र तथा प्रशासन पर सिविल प्रक्रिया संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ व्यवहार करता है। मैंने आपको बताया जो भी मामले क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, निम्न कोर्ट में होते हैं, उन सारे मामलों को ये पूरी तरह से प्रशासन पर सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा, यानी सिविल प्रक्रिया की संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ व्यवहार होता है। ओके, प्रत्येक राज्य क्या होता है? न्यायिक जिलों में बटा होता है। माने जो भी हमारी स्टेट है, वो किसमें होते हैं? न्यायिक राज्य में बटे होते हैं। और अधीनस्थ न्यायपालिका प्रत्येक जिले में एक जिला और सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश के होते हैं। माने हर एक जिले में अधीनस्थ क्या होती है? न्यायपालिका, यानी अधीनस्थ न्यायपालिका होती है। प्रत्येक जिले में एक जिला तथा सत्र न्यायाधीश होता है। अतिरिक्त न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश भी प्रत्येक जिले में होते हैं। ओके, एक जिले में मैंने आपको बताया ना, एक जिले में क्या होता है? एक जिले में एक न्यायपालिका यानी अधीनस्थ न्यायपालिका होती है। जिले में एक जिला और सत्र न्यायाधीश होते हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश होते हैं। आपराधिक मामलों, यानी आपराधिक मामलों पर सत्र न्यायाधीश, सत्र मतलब सेशन, ओके, आपराधिक मामलों पर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र जज, मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक न्यायाधीश आदि भी होते हैं। ओके, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक जिला में क्या होता है? एक न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका के बाद प्रत्येक जिले में एक जिला तथा सत्र न्यायाधीश होता है। अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं तथा सिविल न्यायाधीश भी होते हैं। ओके, आपराधिक मामलों की जब हम बात करते हैं तो आपराधिक मामलों में क्या होता है? सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र जज, न्यायिक न्यायाधीश तथा न्यायिक न्यायाधीश आदि भी होते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालयों से जिले में न्यायाधीश की नियुक्ति की सलाह करता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल कौन होता है? किसी भी राज्य का मुखिया, बड़े किसी भी राज्य का मुखिया जो होता है राज्यपाल होता है। राज्यपाल क्या करता है? उच्च न्यायालय से, बड़े जो हमारा हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट से जिले में न्यायाधीशों का ट्रांसफर यानी नियुक्ति करता रहता है। ओके, एक व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है, मान एक व्यक्ति जो है वो सरकारी सेवा में नहीं है तथा उसे 7 वर्ष का अनुभव है। अदालत बार का एक योग होता है जिसे न्यायाधीश बनने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ओके, ये हमारी कौन सी अदालत हो गई, यानी कौन सा न्यायालय हो गया? अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय हो गया? अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली, मान जो अलग अलग तरह के अधीनस्थ न्याय प्रणाली जो न्यायालय होते हैं उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वे किस तरह से काम करते हैं। तो विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली क्या है, इनमें क्या होता है? जिला न्यायाधीश,
संपत्ति, पैसों तथा तलाक आदि से संबंधित मामले सुने जाते हैं। माने और भी विभिन्न जो हमारे न्यायालय है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो संपत्ति के मामले में, धन के मामले में, भूमि के मामले में, पैसों तथा तलाक आदि से संबंधित मामलों को वो अपने न्यायालय में सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि न्यायालय का सत्र न्यायालय के सत्र में हत्या के आपराधिक मामले तथा लूट की कोशिश के बारे में भी सुनता है। माने न्यायालय का जो सत्र होता है, न्यायालय के सत्र में, माने जब न्यायालय का सत्र चल रहा होता है, उस समय हत्या के आपराधिक मामले तथा लूट वाले जो मामले होते हैं, इस तरह के मामले सुने जाते हैं। ओके, राजस्व न्यायालय के साथ भूमि रिकॉर्ड के मामले, माने जो राजस्व न्यायालय के मामले होते हैं, माने जो हमारे राजस्व न्यायालय के मामले होते हैं, उनको भी भूमि रिकॉर्ड के मामले के रूप में सुना जाता है। ओके, ग्राम स्तर पर यानी गांव स्तर पर मुख्य तथा आपराधिक मामले पंचायत न्यायालय के साथ, माने जो गांव स्तर के जो भी हमारे मामले होते हैं, यानी गांव में जो छोटे छोटे मामले होते हैं, इन आपराधिक मामलों को पंचायत न्यायालय के साथ भी सुना जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, टुडे आज मैंने आपसे चैप्टर 19 भारत में न्यायिक प्रणाली, भारत में न्यायिक प्रणाली क्या है, भारत में न्याय व्यवस्था क्या है, इसके कई टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।